जिंदगी सबको सरप्राइज करती है और शौक भी, लेकिन कभी कभी शौक और सरप्राइज ऊपर तले हो जाए तो अच्छे अच्छे इंसान के हाथ पैर फूल जाते हैं। तकरीबन हर बड़े होते लड़के को मोटरसाइकिल चलाने का शौक होता है और कुछ तो खुद को मर्द भी समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन होते वो बच्चे ही। शौक अपनी जगह, लेकिन 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल जिम्मेदारी बन जाए ये कोई नहीं चाहता। कहां से आया बेटा? गुलशन की साइड से। वो कॉल की थी अब्बू के लिए। ये लड़का भी नहीं चाहता था, लेकिन इसे हालात ने आज मेरे सामने ला खड़ा किया। लोगों के प्यारे अपने आखिरी सफर से पहले कुछ देर मेरे पास आराम करने यहां आते। इस मुसाफिर खाने को लोग मुर्दा खाना कहते हैं। समीर, तो बड़ा नहीं आ सकता था घर से? घर का बड़ा मैं ही हूं। आओ। हिम्मत से काम लो, संभालो खुद को। अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो कैसे होगा ये सब? हर किसी ने एक ना एक दिन जाना ही है, आने की तरतीब है जाने की नहीं। यहां काम करते करते मैं और मेरे अल्फाज दोनों अंदर से शायद मुर्दा हो चुके हैं, मगर फिर भी हमें ये सब बोलना पड़ता है, यकीन दिलाना पड़ता है इस बात का सामने वाले को कि हमें भी उतना ही दुख हो रहा है जितना दुख इस वक्त तुम्हें हो रहा है। हेलो। जी जी, सर थाने से बात कर रहे हैं। जी 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 जी, इन्होंने शनाख्त कर ली है बॉडी की। हाँ जी, मेरी बात सुन लें। जी जी बिल्कुल, मैं ही पूछ रहा हूं, बॉडी इनके हवाले कर देना। ठीक है, शकील बॉडी की शनाख्त हो गई है, पेपर वगैरह साइन कराओ, मैं गाड़ी बुलवाता हूँ। ठीक है बेटा, इधर आओ बेटा, इस पे साइन कर दे। कुछ लोगों की नजर में हम शैतान हैं तो कुछ हमें हैवान समझते हैं, इंसान कोई नहीं। इन्हें लगता है हमारे सीने में दिल नहीं पत्थर धड़कता है। सच कहते हैं, कभी इस सीने में भी दिल धड़कता था, इस दिल को पत्थर मैंने नहीं, एक ऐसी बेवफा ने बनाया जिसे मैंने टूट के चाहा था, वरना जिंदगी में तो मेरी भी बहार थी।